बहनोई आयुष शर्मा पर दोबारा दांव खेलने जा रहे सलमान खान, जल्द होगा एक और फिल्म का ऐलान। सलमान खान का करियर पिछली कुछ फिल्मों के झटकों और टीवी के रियलिटी शोज फ्लॉप होने से डावाडोल है और उधर उनके होम प्रोडक्शन की फिल्म लव यात्री भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। लाख कोशिश करने के बाद भी सलमान अपने बहनोई आयुष शर्मा की एक्टिंग प्रतिभा को दर्शकों के सामने नहीं ला पाए। लव यात्री को दर्शकों ने पूरी तरह से नकार दिया। सवाल उठ रहे थे कि क्या सलमान अब बहनोई को नई फिल्म से रिलॉन्च करेंगे। इस संभावना से खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वे आयुष की पत्नी और अपनी बहन अर्पिता से बहुत प्यार करते हैं। ऐसे में खबर है कि सलमान खान एक नई फिल्म को लेकर आयुष शर्मा के साथ मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग में फिल्म के निर्देशक, आयुष के किरदार से लेकर लीड रोल के लिए एक्ट्रेस का नाम फाइनल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में आयुष एक्शन रोल में देखे जा सकते हैं। कहा जा रहा था कि सलमान इस फिल्म के हिंदी राइट्स मिलने का इंतजार कर रहे थे, अब उन्हें राइट्स मिल चुके हैं। ऐसे में उम्मीद है कि फिल्म जल्द बनी शुरू हो जाएगी। मराठी भाषा में बनी फिल्म मुलसी, पुणे की मुलसी तहसील की सच्ची कहानियों पर आधारित है। इसमें मेन रोल ओम भूतकर ने प्ले किया था। इसी फिल्म का सलमान हिंदी रीमेक बनाने जा रहे हैं। बता दें, लव यात्री फिल्म का निर्माण बजट 22 करोड़ रुपए गया, जो टिकट खिड़की से नहीं निकला। पहले हफ्ते में फिल्म केवल 10 करोड़ रुपए बना पाई और दूसरे हफ्ते में ज्यादातर थिएटरों से उतर गई।